पानसेमल में अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा किया है। जमीन नाम पर नहीं करने से नाराज होकर पोते ने अपने दादा की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। थाना क्षेत्र के ग्राम मनकुई में तालाब में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग के शव मिलने की सूचना मिली थी। मृतक के सिर में चोट के निशान थे, जिसके आधार पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए आरोपी गोविंद पिता गंगाराम, जो मृतक का पोता है, पर संदेह होने पर पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। वहीं आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। पानसेमल से संवाददाता की रिपोर्ट। इसको लेकर कुछ धारा 302 के तहत प्रकरण दर्ज हुआ सर, क्या है पूरा मामला? दिनांक 25/1/2022 को देवनिया पटेल, जो करीब 80 साल की उम्र का है, अपने घर से मनकुई से मतलब रायखेड़ से मनकुई अपनी लड़की के यहाँ जा रहा था। रास्ते में एक सूखा तालाब पड़ता है, वहाँ पर उसी का पोता, देवजा का पोता गोविंद बारेला ने मौका पाकर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दिए। मृतक की 1.5 एकड़ जमीन है, उस उक्त जमीन को वो अपने नाम से कराना चाहता था, लेकिन मृतक देवनिया उसके उसके नाम से जमीन नहीं कर रहा था। इसी रंजिश की वजह से उसकी हत्या की है और सूखे तालाब में फेंक दिया है, जिससे बरगज दिनांक 26 तारीख को बरगज का कायम किया गया है और तत्काल पुलिस मौके पहुंची और पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान कर सूत्र सूचना से अज्ञात आरोपी का पता लगाकर आज आरोपी गोविंद पिता गंगाराम बारेला को गिरफ्तार किया है और उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है, अनुसंधान जारी है। सर वो परिवार का ही व्यक्ति है और उसकी उम्र क्या है? आरोपी की उम्र करीबन 26 साल है और मृतक की उम्र 80 साल की है। सर परिवार का ही आरोपी? परिवार का आरोपी है, पोता है। मृतक की 1.5 एकड़ जमीन है, वो उसके नाम से नहीं कराना चाहता था उसके 1.5 एकड़ जमीन, उसी जमीन की लालच में उसकी हत्या की है। सर आरोपी अकेला था और आरोपी अकेला था, उसने कुल्हाड़ी से वार किया है और सिर में चोट आई है, सिर में चोट आने से उसकी मृत्यु हुई है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।